साउथ फिल्मों का क्रेज अब हिंदी ऑडियंस में भी बढ़ता ही चला जा रहा है। हिंदी ऑडियंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्टर्स भी साउथ फिल्मों को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। इन दिनों बॉलीवुड एक्टर साउथ इंडस्ट्री में अपने डेब्यू को लेकर लगातार सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इसी में अब सलमान खान का भी नाम इस लिस्ट में जुड़ चुका है। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में बॉलीवुड के दबंग सलमान खान कैमियो करते हुए नजर आए हैं। इस फिल्म से सलमान खान तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं फिल्म गॉडफादर के लिए स्टारकास्ट ने कितने करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिया है। सलमान खान। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और चिरंजीवी काफी अच्छे दोस्त थे और इसी वजह से फिल्म गॉडफादर के लिए सलमान खान ने फ्री में ही काम किया है, यानी कि इस फिल्म के लिए उन्होंने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया है। चिरंजीवी। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने फिल्म गॉडफादर के लिए 45 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिया है। इस फिल्म में वो अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। नयनतारा। अदाकारा नयनतारा इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस है। ऐसे में चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर के लिए एक्ट्रेस नयनतारा ने 4 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिया है। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि इसी के साथ एक्ट्रेस नयनतारा शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी आने वाली है नजर। सत्यदेव। साउथ एक्टर सत्यदेव भी गॉडफादर में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के लिए एक्टर ने 1 करोड़ रुपए फीस के तौर पर लिया है। बता दें कि चिरंजीवी और सलमान खान की फिल्म गॉडफादर वैसे तो 5 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म को दर्शकों द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।